हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम घर पर ही बनाएंगे समोसा मार्केट जैसा, बहुत ही टेस्टी। तो देख सकते हैं इस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डाले हैं। इसके बाद हम साबुत धनिया और काली मिर्च और कलौंजी डाले हैं। इसके बाद फिर हम इसमें हरी 2 मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ, और कद्दूकस किया हुआ 1 टुकड़ा अदरक डालेंगे और इसको पकाएंगे। इसके बाद फिर हम इसमें 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें फिर जाएगा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें उबला हुआ आलू तोड़ के रखे हैं उसको भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। इससे क्या होगी, मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचेगी और इसी तरह नई नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहेगी। तो यहाँ पर हम 2 मिनट तक मसाला भून लिए हैं। इसके बाद इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, भुना हुआ धनिया पाउडर और गरम मसाला डालेंगे और काला नमक डालेंगे। इससे बहुत अच्छा मसाले में टेस्ट आएगा और बिल्कुल मार्केट के जैसा लगेगा। तो यहाँ पर मसाला भून के हो गया रेडी। अब इधर हम झटपट मार्केट जैसा ही चटनी बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर हम चटनी बनाएंगे अमचूर पाउडर से। तो यहाँ पर हम 1 कटोरे में 2 चम्मच ले लिए हैं अमचूर पाउडर, और उसके बाद इसमें हम पानी डालकर अच्छी तरह से घोल लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से घोल लिए हैं। अब कढ़ाई में अमचूर वाला घोल डाल देंगे और इसमें हम 150 ग्राम के लगभग गुड़ डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गुड़ को भी अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे और गुड़ यहाँ पर घुल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी फूड कलर और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा चटनी में। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 1 कटोरा लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच अरारोट पाउडर डालकर अच्छी तरह से घोल बना लेंगे। तो यहाँ पर घोल बना लिए, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और चटनी में डाल देंगे। धीरे धीरे डालेंगे, इसके बाद अच्छी तरह से चलाएंगे। फिर इसमें हम 1/2 चम्मच कलौंजी डालेंगे। तो चटनी देख सकते हैं यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। इसमें कलौंजी डाल देंगे तो फटाफट चटनी बन के हो गई है रेडी, बिल्कुल मार्केट जैसी। मार्केट में यही वाली चटनी समोसे के साथ दी जाती है। बहुत आसान है, बिना इमली का भी हम चटनी जल्दी से बना सकते हैं। तो अब इधर हम मैदा ले लिए हैं 250 ग्राम, उसमें हम कलौंजी डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छी तरह से। तो यहाँ सभी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर समोसे के लिए सख्त डो ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम समोसे के लिए सख्त डो लगा लिए। देख सकते हैं इस तरह से इसको हाथ से मसलते हुए। अब हम यहाँ से एक लोई लेंगे बड़ा सा और फिर इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर बेल लिए और बीच से कट करेंगे। अब हम समोसे के लिए कोन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मार्केट जैसा ही समोसा बनाएंगे, इसका मार्केट वाला ही शेप देंगे। तो यहाँ पर हम एक साइड में पानी लगाएंगे ऊपर के हिस्से में, और इसके बाद उस पर चिपका कर कोन बना लेंगे दूसरे साइड से। तो फिर यहाँ पर हम मसाला इसमें डालकर तो यहाँ पर मसाला डाल दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर चार साइड से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हम रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर दूसरा भी बना के आपको दिखाते हैं उसी तरह से हम
फिर कौन बनाएंगे उसमें हम मसाला डालेंगे और फिर पानी चारों साइड डालकर किनारे में अच्छी तरह से चिपका लेंगे। तो इसी तरह से हम सारा ही समोसा बना लेंगे। तो यहाँ पर हम सारा समोसा बना लिए हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए गैस की तरफ, यहाँ पर तेल गर्म कर लिए हैं और इसके बाद इसमें हम समोसा डालेंगे, जितना एक बार में आएगा उतना डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके पकाएंगे, जो कि अच्छी तरह से एक राउंड फ्राई होने में 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर पलटाते हुए समोसे को फ्राई करेंगे, जो कि अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। तो यहाँ पर एक राउंड मेरा बन चुका है, इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर बच्चे को खाने के लिए भी जल्दी हो रही है, मम्मी जल्दी से समोसा लाओ। समोसा देखकर सभी को मुंह में पानी आ जाता है, लगता है कब खा लें। तो अब दूसरा राउंड। तो यहाँ पर इसी तरह से हम सारा ही समोसा फ्राई कर लेंगे और हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये चटनी आप 1 सप्ताह के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और पराठे और पकोड़े के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली चटनी, फटाफट बन के तैयार भी हो जाती है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा समोसा बन के रेडी हुआ। तो फ्रेंड, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।